चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्रश्नावली 2.7, प्रश्न संख्या 3 और 4, इसमें हमें भाग देना है। जैसे मैंने पहले और दूसरे प्रश्न में बताया है, वैसा ही इसमें भी है। अब आपको इसमें स्पेशल क्या है, तो इसमें आपको इधर 100 का भाग देना है और इसमें इधर 1000 का भाग देना है। तो इसको शुरू करते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं। तो भाग का मतलब होता है बट्टा, है ना, मैंने कल बताया आपको। तो 2.7 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। भाग को हम बट्टा बना देंगे, ये बट्टा बना दिया भाग को, और ये 100 का आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब पहले तो हम पॉइंट हटाते हैं, तो पॉइंट हटाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई नीचे पीछे जितने अंक होते हैं उतना जीरो नीचे लग जाता है। तो यहाँ पर एक अंक है, यानी नीचे 10 से गुणा करना पड़ता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा एक जीरो नीचे बढ़ा देता हूँ, या चलो 10 का गुणा कर देते हैं। भाई पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाते हैं तो इसके बाद में एक अंक है, यानी नीचे किसका गुणा, 10 का गुणा, ठीक है। तो 100 × 10, इसका मतलब कितना होता है, 1000 होता है। तो ये कितना हो गया, 27/, नीचे हो गया 1000। 100 × 10 कितना होता है, 1000 होता है। अब वापस भाग देना है, तो भाग देने का मतलब क्या हुआ कि नीचे जितने जीरो है ऊपर उतने अंक छोड़कर अपने को पॉइंट लगाना है। लेकिन ऊपर कितने अंक है, 2 अंक है, और नीचे कितने जीरो है, 3 जीरो है। तो अब क्या करना, हम यहाँ आगे जीरो लगा देते हैं। भाई इसको कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि ये 0 27 का मतलब कितना होता है, 27 ही होता है। लेकिन हमारे पास यहाँ अब 3 अंक है, 7 भी है, 2 भी है और 0 भी है, और हमें जो है 3 जीरो छोड़ के पॉइंट, 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो भाग हो जाता है। तो हम 3 अंक छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, तो हमारा ये उत्तर आ गया। तो हम यहाँ सीधा लिख सकते हैं, इसका जो उत्तर होगा 0.2027, ये लगा रहा हूँ मैं, 0, 2 और 7, क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो है, तो यहाँ पर अपन 1 जीरो एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। अच्छा, अब ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम यहाँ 0 लगा देते हैं, हम अपनी मर्जी से क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। उत्तर क्या आया, 0.027। अच्छा, अगला वाला करते हैं। देखो अगले वाले में इस भाग को बट्टा बनाना है, बट्टे के इधर वाली संख्या को ऊपर लिखना है, पीछे वाली संख्या को नीचे लिखना है। अब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो 10 का गुणा होगा, 10 का गुणा होगा, इसका मतलब 1 जीरो लगा देता हूँ, क्योंकि 100 × 10 कितना होता है, 1000 ही होता है। तो मैंने सीधा 1 जीरो नीचे लगाकर इसको 1000 बना दिया। अच्छा, अब क्या है, 3 अंक छोड़कर पॉइंट लगाना है। ऊपर क्या है, 0 3, जबकि नीचे कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो यहाँ पर तो 2 अंक है, तो आप चाहो तो 1 जीरो और लगा दो। 0 0 3 का मतलब 3 ही होता है, तो अब 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा। तो ऊपर क्या है, 1 जीरो एक्स्ट्रा लग गया, तो 0 0 3 और 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, और ये आपका उत्तर हो जाएगा। आप चाहो तो आगे 0 लगा सकते हो। अगला है 0.78/100, तो इसको लिख सकते हैं 0.78/100, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट के बाद अब यहाँ 2 अंक है, इसका मतलब नीचे 100 से गुणा होगा, तो मैं नीचे 2 जीरो लगा देता हूँ, क्योंकि 100 से अगर 100 का गुणा होगा तो वो कितना बनेगा, 10000 ही बनेगा, तो मैंने 2 जीरो लगा दिया एक्स्ट्रा नीचे। अब मुझे जो है 4 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना ऊपर, तो यहाँ 4 अंक है ही नहीं, तो मैंने 1 जीरो और लगा दिया। अब देखो 4 अंक हो गए, तो अब मेरे पास क्या है, 8 7 0 और 0, तो अब आपको क्या करना है, पॉइंट लगाना है यहाँ पर, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है 432.6, और भाग को पहले हम बट्टा बना देंगे। ऊपर कितना है, 432.6, और नीचे कितना है, 100 है। पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो 1 जीरो नीचे आ जाएगा। अब 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट आ जाएगा, है ना। तो उत्तर कितना आया, 4.326, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ये वाला प्रश्न करते हैं। देखो भाग को बट्टा बना दिया, ऊपर कितना है, 23.6, नीचे कितना आ जाएगा, 100। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो नीचे 1 जीरो आ जाएगा। अब वापस जो है हमें भाग देना है, तो भाग देने के लिए यहाँ 3 3 जीरो है नीचे, तो ऊपर 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, 1 2 3, तो 6 3 2, और यहाँ लग जाएगा पॉइंट, यहाँ चाहो तो 0 लगा दो आप, हो गया ये वाला भी। अगला है 98.53, भाग को बट्टा बना दिया और नीचे कितना है, 100 है।
पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद यहाँ दो अंक है, इसका मतलब नीचे दो जीरो आ जाएगा। अच्छा, अब मुझे चार अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है क्योंकि नीचे चार जीरो है। अच्छा, तो उत्तर क्या है ऊपर? 98 53, चार अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, 1 2 3 और ये चार, और यहाँ लग जाएगा पॉइंट। आप चाहो तो जीरो एक्स्ट्रा यहाँ लगा सकते हो। ये हो गया उत्तर इसका। चौथे में भी हमें यही करना है, लेकिन अब की बार यहाँ हज़ार दिया हुआ है ना, तो पहला काम तो यही है कि भाग को बट्टा बना देते हैं। ऊपर क्या है? 7.9, नीचे कितना आएगा? 1000 आएगा। अच्छा, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक अंक है तो नीचे एक जीरो लग जाएगा। अब चार अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, लेकिन ऊपर तो दो ही अंक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे? दो जीरो लगा देंगे ऊपर। तो अब उत्तर क्या आएगा? 0.007 और 9। अगले वाले में भी यही करना है अपने को, भाग को बट्टा बनाना है। ऊपर आ जाएगा 26.3, नीचे आ जाएगा 1000। यहाँ से पॉइंट हटेगा पहले, तो फिर यहाँ एक अंक है तो नीचे एक जीरो आएगा। अब चार अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है तो ऊपर एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दो, तो ऊपर कितना है? 0 2 6 और 3, यहाँ क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा। फिर इसमें भी ये बट्टा बना देते हैं भाग को। ऊपर कितना है? 38.53, नीचे कितना है? 1000। अच्छा, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ दो अंक है, इसका मतलब नीचे दो जीरो आएंगे। तो 1 2 3 4 5, पांच जीरो है नीचे, तो ऊपर पांच अंक होने चाहिए और उसके बाद हमें पॉइंट लगाना है, तो भाग हो जाएगा। तो ये हो गया 3 5 8 3, फिर जीरो, और यहाँ पर क्या लग जाएगा? पॉइंट। ठीक है, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। इसमें भी यही करना है, ऊपर है 128.9, नीचे है 1000। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद में एक अंक है तो एक जीरो लगेगा। अब चार अंक, 1 2 3 4, चार जीरो है तो ऊपर चार अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, 1 2 8, और यहाँ 9 लिख देंगे। इसमें भी यही करना है। आप चाहो तो यहाँ आगे जीरो लगा सकते हो, सब है ना, पॉइंट के आगे जीरो लगा सकते हो, वो बस दिखने में एक अच्छा रहेगा थोड़ा, और कुछ नहीं है। ऊपर है 0.5 और नीचे है 1000। अब पॉइंट हटाएंगे पहले तो नीचे एक जीरो और आ जाएगा। अब नीचे चार जीरो है लेकिन ऊपर दो अंक है, तो हम क्या करते हैं? यहाँ ऊपर दो जीरो लगा देते हैं, क्योंकि आगे जीरो लगाने से संख्या को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, अब चार अंक ऊपर है तो पॉइंट लग जाएगा आगे, फिर 1 2 3 और ये आ जाएगा 5। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। प्रश्न संख्या 5, इसमें भी हमें ज्ञात करना है यानी भाग देना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। अब करना क्या है देखो, पहले तो हमें भाग को बट्टा बनाना ही बनाना है। ये भाग को मैंने बट्टा बना दिया, भाग के इस तरफ वाली संख्या ऊपर आ जाएगी और पीछे वाली संख्या नीचे आ जाएगी। अब देखो, पॉइंट अगर नीचे है ना, पॉइंट अगर नीचे है तो उसको अगर अपन हटाते हैं तो ऊपर जो है हमें उतने जीरो लगाने पड़ते हैं। यानी कि अगर मैं ये पॉइंट हटाऊँ, ठीक है, तो अब की बार ऊपर मुझे जो है उतने जीरो लगाने पड़ेंगे। तो अब ये पॉइंट हटाने के बाद यहाँ एक अंक है, कितना अंक है? एक अंक, तो ऊपर एक जीरो लगेगा। अब एक जीरो का मतलब यानी इसका गुणा किससे हो जाएगा? 10 से हो जाएगा, ऊपर जो है 10 का गुणा हो जाएगा। तो अगर 7 का मैं 10 से गुणा करूँ तो कितना हुआ? 70/35। तो अगर मैं चाहूँ तो पॉइंट हटा कर सीधा यहाँ एक जीरो लगा सकता हूँ, ऐसा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और आप चाहो तो 10 का गुणा भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ये हो गया 70/35, क्योंकि पॉइंट तो हट गया। अब जो है इन दोनों में हमें जो है 35 का भाग जा रहा है। देखो, 70 में जो है 35 का भाग जा रहा है, 35 एकम 35, ठीक है, 35 दूना 70। यानी कि अगर मैं इन दोनों का भाग दूँ तो भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, ठीक है। तो भाग 2 बार जाएगा तो उत्तर कितना आया? 2 आ जाएगा इसका उत्तर। अगला वाला करते हैं। देखो, अगला वाला भी ऐसे ही करना है अपने को। सबसे पहले भाग को बट्टा बनाना है। इधर ऊपर क्या है? 36 है और नीचे कितना है? 0.2 है। तो अब पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाने के बाद कितना अंक है? एक अंक है, तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा, ठीक है, लग गया। अब ऊपर कितना हो गया? 360 और नीचे कितना हो गया? 2। यानी 360 में जो है हमें 2 का भाग देना है, तो भाग देंगे 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2, पीछे बच गया 1, फिर ये हो गया 6 8 2 9 16, और ये 0 का यहाँ 0 आ जाएगा, यानी 180 इसका क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा, ठीक। अब
यहाँ पर भी बट्टा बनाना है, इधर कितना है 3.25 और नीचे कितना है 0.5। अब यहाँ पर भी देखो, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ भी पॉइंट है और यहाँ भी पॉइंट है। तो अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊं, ऊपर पॉइंट हटाता हूं तो नीचे जीरो लगता है, नीचे वाला पॉइंट हटाऊं तो ऊपर वाला जीरो लगता है, ये ध्यान रखना। तो ऊपर से पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद है दो अंक, तो नीचे दो जीरो लग जाएंगे। और अगर नीचे वाला पॉइंट हटाऊंगा मैं तो पॉइंट के बाद यहाँ एक अंक था, है ना, यहाँ एक अंक था पहले, तो यहाँ ऊपर एक जीरो लग जाएगा। यानी कुछ इस प्रकार से हुआ ये कि ये पॉइंट अगर मैं हटाता हूँ तो नीचे तो मुझे 100 का गुणा करना है, और ये वाला पॉइंट मैं हटाता हूँ क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ नीचे कितना अंक था, एक अंक था, तो ऊपर 10 का गुणा होता है। चल, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ, ऊपर क्या बना, 325 × 10 बटा नीचे बचा 5 × 100। तो यहाँ एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, ऊपर है 325 और नीचे 5 × 10 से गुणा हो जाएगा तो होगा 50। अब अगर मैं 325 में 50 का भाग दूं तो कितनी बार जाएगा, तो देखो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 5 × 25 = 30। यानी अगर मैं 6 बार ये पहाड़ा बोलूँ तो कितना आएगा, 300 आएगा। अब घटाऊँगा तो कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, अब वापस पॉइंट लगेगा और यहाँ जीरो लगाएंगे, अब भाग बढ़ेंगे तो 5 × 25, है ना। तो हमारा जो उत्तर आया वो कितना आया, 6.5 आया। तो हमारा वापस उत्तर कितना आ जाएगा, 6.5 आ जाएगा। अच्छा, अब आगे वाला देखो, ये वाला यहाँ पर बट्टा लगा देंगे, यहाँ कितना है 30.94 और नीचे कितना है 0.7। ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो नीचे, यहाँ दो अंक है तो नीचे दो जीरो आएंगे। ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक अंक था, देखो यहाँ पर एक अंक था तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा। अब हमारे पास क्या आया, 30 940 बट्टा यहाँ पर हो गया 700। तो पहले हमें जीरो और जीरो को काटना है, कट गया। अब ऊपर कितना है 30 94 और नीचे कितना है 70। तो अब भाग देंगे सीधा अपन, तो यहाँ पर भाग इन तीनों में देना पड़ेगा क्योंकि 30 तो छोटा है, तो भाग देंगे तो 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28 और 7 × 5 = 35। तो 35 तो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ 30 है तो 7 × 4 = 28, 4 बार देंगे तो कितना आएगा 280। भाई 7 × 4 = 28 होता है ना, और 70 × 4 करेंगे तो यहाँ एक एक्स्ट्रा जीरो लग जाएगा, बस यही करना हूँ मैं। 9 में से जीरो गया 9, ठीक है, और 10 में से 8 गया, पीछे बचा 2, और 2 में से 2 गया 0। अब ये कितना बचा, यहाँ पर 4 बचा है ना, तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब भाग देना है तो 7 × 4 = 28, वापस 4 बार जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 280 आएगा। घटाएंगे इसको, ये 4 × 4 आया, 9 में से 8 गया, पीछे 1 आया। अब भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर 7 × 7 = 7, 7 × 2 = 14, 140 आ जाएगा, है ना, पूरा पूरा भाग जाएगा। उत्तर कितना आया, 44.2। तो हम यहाँ कहेंगे इसका जो उत्तर है वो आया 44.2। अच्छा, अब ये वाला देखो, बट्टा लगाएंगे, यहाँ पर कितना है 0.5, यहाँ कितना है 0.25। तो ये वाला पॉइंट हटाते हैं तो एक ही जीरो आएगा क्योंकि इसके बाद एक अंक है। ये वाला पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर, क्योंकि यहाँ पर दो पॉइंट के बाद कितने अंक थे, दो अंक थे, तो यहाँ दो जीरो लग जाएंगे। तो हुआ क्या, 500 / 250, तो ये एक जीरो से एक जीरो कटेगा। अब हमें 50 में जो है 25 का भाग देना है, तो 25 × 50 कितनी बार गया, 2 बार भाग गया, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब ये वाला देखो, बट्टा लगेगा सबसे पहले, यहाँ कितना है 7.75 और ये नीचे कितना है 0.25। अब ये वाला पॉइंट अपन हटाएंगे तो यहाँ दो अंक है, यानी नीचे दो जीरो आ जाएंगे, है ना, और ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर भी दो अंक है तो ऊपर भी दो जीरो आ जाएगा। अब ऊपर क्या मिला, 7, 7, 5 और दो जीरो, नीचे क्या मिला 25 और दो जीरो, है ना। तो ये दो जीरो से दो जीरो कट गया, तो ऊपर क्या है 775 और नीचे कितना है 25। तो हमें क्या करना है, 775 में 25 का भाग देना है, 25 × 1 = 25, 25 × 2 = 50, 25 × 3 = 75। अब पीछे कितना बच गया, 3 बज गया, और ये कितना है 5, है ना। तो 25 × 25 एक बार भाग जाएगा, पीछे कितना बच गया 10, अब लगेगा पॉइंट, यहाँ आ जाएगा 0 और 25 × 4 = 100, है ना। तो उत्तर कितना आया, 31.4। अब ये वाला प्रश्न देखो, सातवां,
इसमें क्या करना है, बट्टा लगाना है। सबसे पहले तो ऊपर कितना है 76.5, नीचे कितना है 0.15, ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 2 अंक है, देखो पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो ये वाला पॉइंट हटाने के बाद यहाँ 20 आ जाएंगे। अब हमारे पास है क्या, 76.500 बट्टा यहाँ कितना है 150, तो ये 10 से 10 कट गया। अब जो संख्या बची है आपकी 76.50 में आपको 15 का भाग देना है, तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75, तो ये 5 बार भाग गया, ये 75 आया, यहाँ 1 बचा, ये 5 हो जाएगा, फिर 15 एकम 15 है ना, और 0, फिर ये वाला 0 बच गया, तो ये यहाँ लगा दो, तो उत्तर कितना आया 510। नेक्स्ट देखो, यहाँ बट्टा लगाएंगे, ये कितना है 37.8 और ये कितना है 1.4। देखो जब पॉइंट के बाद एक अंक हो, इसमें भी पॉइंट के बाद एक अंक हो, तो ये पॉइंट हट जाता है। क्यों हट जाता है, देखो पॉइंट के बाद नीचे 0 आएगा, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ मिला क्या 37.80/140, तो ये 0 और ये 0 कट गया है ना। तो अपन चाहे तो पॉइंट को सीधा हटा सकते हैं, 0 तो दोनों कट जाता है, सीधा भी कर सकते हैं। अब हमें क्या करना, 378 में 14 का भाग लगाना है, तो भाग आप लगाओगे और ये उत्तर आप निकालोगे, फिर ये वाला भी जो है आप करोगे। ये 2 प्रश्न आपको करने हैं। यहाँ देखो थोड़ी हल्की सी मिस्टेक हुई है, ये 31.4 नहीं आना चाहिए, वापस भाग देते हैं इसको, 775 में 25 का भाग, तो 25 3 75 पीछे बच गया 2 और ये 5, 25 एकम 25, यानी उत्तर कितना आएगा 31 आएगा, है ना। यहाँ थोड़ा हल्का सा गलत हुआ है, उत्तर कितना आएगा 31 आएगा। अच्छा अब ये 2 प्रश्न आपको करने हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 6 में है कि एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। देखो क्या हुआ कि एक ये रोड हो गई, यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई है, ठीक है, तो ये गाड़ी जो है आपके 2.4 लीटर पेट्रोल, यानी अगर मैं पेट्रोल पंप जाकर इस गाड़ी में 2.4 लीटर का पेट्रोल भराता हूँ, तो ये गाड़ी जो है 43.2 किलोमीटर तक दौड़ेगी, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अगर मैं 1 लीटर ही पेट्रोल भराऊँ तो वो गाड़ी कितनी दौड़ेगी, ये हुआ प्रश्न, है ना, समझ गए। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो हम यहाँ लिखेंगे कि 2.4 लीटर में गाड़ी चलती है, कितनी चलती है बराबर 43.2 किलोमीटर, अच्छा चूंकि लगा देते हैं, इसलिए 1 लीटर में गाड़ी चलेगी बराबर। जब भी ऐसा प्रश्न हो कि भाई इतने लीटर में इतनी चलती है तो इतने लीटर में कितनी चलेगी, तो आपको क्या करना है, देखो पीछे वाली जो संख्या नहीं बराबर के इस तरफ कितना है 43.2 और इस तरफ कितना है 2.4, तो बराबर के इस तरफ वाली जो संख्या होती है वो बट्टे के ऊपर आती है, बट्टे के कहाँ आती है ऊपर आती है, तो ये बराबर के इधर वाली संख्या बट्टे के ऊपर लिख देते हैं 43.2, फिर बराबर के इस तरफ वाली जो संख्या होती है यानी बराबर के इस तरफ वाली जो संख्या होती है वो बट्टे के नीचे आती है, तो ये 2.4 आपको नीचे लिखना है। फिर ये पहली लाइन तो हो गई, देखो 2.4 बराबर 43.2, ये पहली लाइन तो हो गई, फिर दूसरी लाइन में यहाँ पर कितना 1 है, तो दूसरी लाइन के इधर जो बराबर के इधर जो संख्या होती है इसको इस बट्टे के गुणे में रखना है, ठीक है। तो ये आपको चीज़ अब आनी चाहिए, ये आपके 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सब जगह काम आएगी, तो इसको आप रट लेना एक तरीके से कि बराबर पहली लाइन में अगर बराबर के इस तरफ वाली संख्या है तो वो बट्टे के ऊपर, बराबर के इधर है तो वो बट्टे के नीचे, और फिर दूसरी लाइन में अगर बराबर के इस तरफ संख्या है तो आपको यहाँ ये गुणे में लगानी है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो तो ये 1 का गुणा इसको किसी से भी करो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो गया क्या 43.2/2.4, मैंने 1 का गुणा कर दिया इसमें। अब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे यहाँ 0 आएगा, ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 0 आएगा, है ना। अब इसको हमने क्या लिख दिया
4320 बट्टे 240, 10 से 10 कट गया। अब 432 में जो है हम 24 का भाग लगाएंगे, तो 24 एकम 24, 24 दुना 48, दो बार तो ज़्यादा हो गया, तो भाग एक बार ही देंगे। तो एक बार भाग देने पर यहाँ 24 लिखेंगे, फिर यहाँ ये उधार देगा तो 13 में से 4 गया तो पीछे बच गया 9, और 3 में से 2 गया पीछे बच गया 1। अब यहाँ हम कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब आया हमारे पास 192, ठीक है। अब अगर मैं 24 का पहाड़ा 8 बार बोलूँ, 24 आटे 192, तो 8 बार बोलूँगा तो आएगा 192, 192 से 192 गया 0, यानी हमारा उत्तर कितना आया, 18 आया। तो यहाँ हमारा उत्तर आएगा 18। अच्छा, 18 क्या है कि भाई 2.4 लीटर में इतनी दौड़ती है, तो 1 लीटर में वो कितनी दौड़ी, 18 किलोमीटर दौड़ी। तो आप यहाँ हिंदी में एक लाइन लिख सकते हो, भाई 1 लीटर पेट्रोल भराने पर गाड़ी जो है वो 18 किलोमीटर दौड़ती है। तो अगर प्यारे बच्चों मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।